दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं व्हाट्सएप पर फिंगरप्रिंट लॉक कैसे लगाएं। जी हां, व्हाट्सएप में फिंगरप्रिंट कैसे लगाएं, वो भी बिना ऐप के। मैं इसमें आपको वीडियो बताऊंगा, एकदम इजीली तरीके से आप लगा पाओगे अपने व्हाट्सएप में फिंगरप्रिंट। तो चलिए दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो के साथ शुरू से लेकर लास्ट तक। जान लीजिए दोस्तों, मैं हूँ इस चैनल का होस्ट, आपका अपना दोस्त बिमलेश कुमार। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जब भी मैं इस चैनल पर इस तरह की वीडियो लेके आऊँ नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो आपको व्हाट्सएप में फिंगरप्रिंट लगाने के लिए सबसे पहले आपको व्हाट्सएप को ओपन कर लेना होगा। इस तरीके से व्हाट्सएप को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको ऊपर राइट हैंड साइड में कोने पे थ्री डॉट मिल जाएंगी, पहले के ही तरह इस तरीके से इन पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर खुल के आ जाएंगे पांच ऑप्शन, जैसा कि न्यू ग्रुप, न्यू ब्रॉडकास्ट और व्हाट्सअप वेब और स्टार्ट मैचेस का, और यहाँ पे आ जाएगा सेटिंग का। सेटिंग का ऑप्शन पे इस तरीके से क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको फर्स्ट नंबर पर मिल जाएगा अकाउंट का ऑप्शन, उस पर आपको टैप कर देना है। वहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन में आपको मिल जाएगा फर्स्ट ऑप्शन प्राइवेसी का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। आपको स्क्रॉल करके बिल्कुल नीचे जाना है, बिल्कुल नीचे आपको लेफ्ट हैंड साइड में बिल्कुल कोने पर फिंगरप्रिंट लॉक, उस पर आपको इस तरीके से क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पे ये हो रहा है अनलॉक विद फिंगरप्रिंट, इस पर आपको इस तरीके से क्लिक कर देना है या ओके कर देना। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने क्लिक किया और यहाँ पे ओके किया, दोस्तों ये अभी मना कर रहा है, तो हम देख लेते हैं ये क्यों कर रहा है। सेट अप फिंगरप्रिंट दिस, टू यूज़ दिस फीचर यू नीड टू सेट अप योर फिंगरप्रिंट ऑन फोन फर्स्ट। तो ये बोल रहा है आप अपने सबसे पहले फ़ोन में लगाइए। तो चलिए सबसे पहले हम फ़ोन पे यहाँ इसे अनेबल कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से वापस जाना होगा। किस तरीके से जाना, सेटिंग में जाओगे, सेटिंग में जाने का दोस्तों यहाँ पे स्क्रॉल करके इस तरीके से आओगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा जैसा कि आपको नजर आ रहा है फिंगरप्रिंट फेस एंड पासवर्ड, इस पर आपको क्लिक कर देना। ठीक है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा नीचे ही एडिट फिंगरप्रिंट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे कंटिन्यू, थोड़ी देर में ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। यहाँ पे एकदम से ब्लू कलर का, इस पर आपको इस तरीके से टैप कर देना होगा। यहाँ पे आपको एक पिन बना लेनी होगी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम एक पिन बना लेते हैं इस तरीके से, एक पासवर्ड इस तरीके से मैंने बना लिया। आपको पासवर्ड ध्यान रहना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से बनाने के बाद अब दोस्तों आपको यहाँ क्या करना होगा, अपने जो आपका फिंगरप्रिंट है उस पर आपको इस तरीके से टैप कर देना। ठीक है, इस तरीके से आपको बार बार टैप कर देना है हटा के। ठीक है, इस तरीके से हटा हटा के बार बार लगाना है। ठीक है, इस तरीके से जैसे कि हम लगा रहे हैं अभी, इस तरीके से आपको लगाना है। ठीक है, यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करना है, फिर से आपको थोड़ा बहुत और इस तरीके से लगाना है। आप किसी भी उंगली का फिंगरप्रिंट लगा सकते हैं। ठीक है, यानी एक ही बार में एक ही उंगली का लगाएं। ठीक है, एक उंगली का ही लगाएं, इसमें बार बार एक ही उंगली टच करें, कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से फिंगरप्रिंट ऐड हो गया। तो इस तरीके से हम वापस चलते हैं व्हाट्सएप में, इस तरीके से चलते हैं जैसे पहले गए थे। ठीक है, इस तरीके से प्राइवेसी पे गए थे, यहाँ पे प्राइवेसी के जाने के बाद नीचे फेस पे गए थे। तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर हम इस तरीके से पीछे ही लगा लेते हैं। तो ये बोल रहा है आप एक मिनट के लिए या 30 मिनट के लिए, क्या ये बोल रहा है हमेशा के लिए। ठीक है, इस तरीके से मैंने इस पर क्लिक कर दिया। ठीक है, यहाँ पे क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे हम ये शो कंटेंट इन नोटिफिकेशन, आप अपने आपका जो कंटेंट शो होगा उस पर भी आप इस तरीके से नोटिफिकेशन बंद कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर चलिए हम इस व्हाट्सएप पर बाहर निकल आते हैं, व्हाट्सएप पर इस तरीके से क्लिक करते हैं। तो ये देखिए आप फिंगर लॉक लग चुका है। तो यहाँ पर पीछे से हम खोल देते हैं लगा के, ठीक है, फिंगर को। जैसे हमने यहाँ पर फिर से क्लिक किया यहाँ पे इस तरीके से, जैसा कि दोस्तों हम बार बार यहाँ से कर दे रहे हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने व्हाट्सएप पे फिंगरप्रिंट लगा पाएंगे इजीली तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। दोस्तों कोई प्रॉब्लम आई कमेंट में जरूर बताएं, मिलता हूँ एक नई वीडियो लेके आपके लिए, तब तक के लिए विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।